हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग कारों और कंपनी ऑडिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि कम समय है तो कम समय में हमको जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सके ठीक है कुछ लोगों को फास्ट लग रहा होगा लेकिन ठीक है वो लोग थोड़ा सा वापस एक बार वीडियो देख लेंगे तो वापस वीडियो देख लेंगे एक बार स्लो करके वीडियो को देख लेंगे रोक रोक के वीडियो को देख लेंगे तो बात बन जाएगी इमीजिएटली उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग चैप्टर है और चलिए देखिए हमारे जो हमारी जो क्वेश्चन बैंक है उसका जो इंडेक्स है क्वेश्चन बैंक का जो इंडेक्स है एग्जैक्टली एग्जैक्टली एज पर आई नहीं है ठीक है आईसीए ने क्या किया स्टैंडर्ड्स को तोड़ तोड़ के अलग चैप्टर्स में डाल दिए मिक्स कर दिए लेकिन हमारी जो टीचिंग है हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाइज पढ़ाते हैं एस वाइज पढ़ाते हम लोग वापस कौन से ऐसे का कंटेंट कौन से कौन से चैप्टर में उसको लेके आते और ऐसे वाइज पढ़ाते इससे चीजों को समझना पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ठीक है इसलिए क्वेश्चन बैंक की शुरुआत में आप क्वेश्चन बैंक की शुरुआत में आपको दिखा होगा एसोसिएशन कौन से चैप्टर में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स कहाँ कहाँ कवर होते हैं तो हमारे इंडेक्स में आप एसेस देखेंगे तो हमने साफ बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ चैप्टर्स मेजोरिटी ऑफ चैप्टर्स एस एस के साथ हम कवर कर लेते जो चीजें एस एस के साथ कवर नहीं होती उसके लिए हम लोगों ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग करके चैप्टर बना दिया उसमें डाल दी चीजें जो थोड़ी जनरल चीजें ऐसा बोल सकते हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में ऑडिट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑडिट का डेफिनेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यह पूछा है हाउ वुड यू एज ऑडिटर परफॉर्म ऑडिट देखिये बहुत ही जनरल क्वेश्चन लगता है हाउ वुड यू एज ऑडिटर परफॉर्म द्सप्लेन क्लियरली हाउ द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर इंश्योर दैट फाइनेंशियल फेस्टिवेंट वुड नॉट बी मिसलीडिंग बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि आप ऑडिट कैसे परफॉर्म करोगे और आप कैसे पता लगाओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है अब ये जो सेंटेंसेस है ये थ्योरी में से पिक किए गए हैं इसका एक स्टैंडर्ड एक सिंपल सा आंसर है तो अगर आपको ऐसा जनरल क्वेश्चन आया कि हाउ वुड यू एक जनरल एक सिर्फ इत ही लिखा है हाउ वुड यू परफॉर्म ऑडिट आप ऑडिट कैसे परफॉर्म करोगे या फिर ऐसा लग आप कैसे पता लगाओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है झूठे तो नहीं है ठीक है गलत जानकारी तो नहीं दे रहे ये कैसे पता लगाओगे ऑडिट की डेफिनेशन ये सब अच्छे से जानते हैं बहुत और इट इज डेफिनेशन है रिपीट हो रहा है ये ये डेफिनेशन और इट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इेस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म वेदर आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इंडिपेंडेंट है निष्पक्ष इंडिपेंडेंट बंदा करता है ठीक है जो दबाव जो फाइनेंशियली लीगली पर्सनली डिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट बंदा और इट इज अस्टमैटिक बहुत स्टेप बाय स्टेप काम चलता है एज फर एस एज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट बंदा है जो किसी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है क्लाइंट के ऊपर निर्भर नहीं है उसे दबने नहीं वाला सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन चीजों को चेक करते हैं और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ऑर्ड की बात कर रहे हैं ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इर रिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म प्रोपराइटर हो पार्टनरशिप हो कंपनी हो सब कॉर्ड होता है इनरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म वेदर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड आप बिजनेस एंटिटी हो तो भी आउट होगा अगर आप चैरिटेबल एंटिटी हो तो भी आउट होगा इर रिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म वेदर नॉट प्रॉफिट ओरिएटेड विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट गोल है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर यू कैसे पता लगाओगे बहुत ही जनरल और सिंपल बात लिखी है नंबर आपने देखना चाहिए कुछ छूटा तो नहीं है नथिंग इज ओमिटेड ठीक है आपने ये देखना चाहिए कोई परचेस ना छूटे थर्टी फर्स्ट मार्च तक के सारे परचेस आए थर्टी फर्स्ट मार्च तक के सारे सेल्स आए सारे रिसीट्स आए सारे पेमेंट्स आए देर शुड नॉट बी ओमिशन्स कहीं पर भी अगर आप चाहते हो कि अभी चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है पहले पहला पॉइंट देर शुड नॉट बी एनी ओमिशंस ठीक है कोई भी ओमिशंस कोई भी ओमिशंस नहीं होनी चाहिए देर शुड नॉट बी एनी कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए देर शुड नॉट बी एनी ओमिशंस फिर ठीक है फिर एक तो ओमिशंस कुछ भी चीज छूटे नहीं दूसरा जितनी चीजें हैं, जितनी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देर शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे मन से बीच में से कुछ भी डालते ऐसा नहीं एक तो कुछ छूटना नहीं चाहिए नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट ठीक है और जो लिखा है जो लिखा है इट शुड बी बेक्स इट शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज ठीक है प्राइमरी बुक्स में जो एंट्रीज है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए कोई फेक ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए तीसरा पॉइंट भी यही बोलता है कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर हो एक तो कुछ छूटना नहीं चाहिए कोई अस्थि ट्रांजेक्शन छूटना नहीं चाहिए नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट और जो रिकॉर्डेड है जो रिकॉर्डेड है वो प्राइमरी बुक्स में जो एंट्रीज है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए तीसरा पॉइंट बोलता है फेक नहीं होना चाहिए ठीक है और जो एंट्रीज है दे शुड बी सपोर्टेड दे शुड बी सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स एंट्रीज ठीक है प्रॉपर डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होनी चाहिए ताकि प्रूव कर सके ये जेन्यून एंट्रीज है ये रियल एंट्रीज है रियल ट्रांजेक्शन है और इनकी अकाउंटिंग शुड बी एज पर फिफ्थ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले क्लियर और अनएम्बिगियस बने साफ साफ चीजों को लिखा हुआ है ठीक है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है रेंज में बात करें ऐसा नहीं होना चाहिए साफ साफ चीजों को लिखा होना चाहिए एंड दे शुड गिव ट्रू एंड फेयर यू अगर एज अ ऑडिटर अगर एज अ ऑडिटर मैं इस बात को मैं इस बात को प्रूव कर दूं ठीक है कि फाइना हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी ओमिटेड नहीं है जो चीज़ें रिकॉर्डेड है वो प्राइमरी बुक्स की जो एंट्रीज है उसके ऊपर बेस्ड है कुछ भी फेक नहीं है इनफैक्ट वो एंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में एडिक्वेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं देर एडिक्वेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ठीक है और उसकी अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुई है उसको अच्छे से प्रेजेंट किया डिस्क्लोज किया है कोई कन्फ्यूजन नहीं है कोई एम्बिगटी नहीं है जो हमको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग ये क्यों बता रहा हूं कि स्टडी मेटेरियल खोलते जो पहली चीज आती है स्टडी मेटेरियल ओपन करते जो पहली चीज आती है वो यही आती है और स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन पूछा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ठीक है बहुत सारे मे 19 आरटीपी में लास्ट आया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट मैंने क्या किया है उसको अलग अलग ग्रुप से बांट दिया है ये स्टैंडर्ड आंसर है एडवांटेज ऑफ ऑडिट यही आंसर लिखना है ठीक है एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप यही आंसर लिखना है ऑडिट ऑफ एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यही आंसर लिखना है ऑडिट ऑफ एडवांटेज ऑफ एल एल पी यही आंसर लिखना है सेम आंसर है सबको एप्लीकेबल सबको एक ही आंसर ऑडिट का एडवांटेज प्रोप्राइटर के ऑडिट का एडवांटेज पार्टनरशिप के ऑडिट का एडवांटेज एल एल पी के ऑडिट का एडवांटेज एक ही आंसर लिखना है ठीक है Let's see. अलग अलग ग्रुप से है जब ऑडिटर ऑडिट audit करने के लिए ऑडिटर सबसे पहले ऑडिट करने के लिए क्लाइंट प्लेस पे विजिट करता है क्या क्या एडवांटेज निकल के आते हैं ठीक है एडवांटेज नंबर वन ऑड वेन ऑडिटर्स रेगुलरली विजिट जब रेगुलरली विजिट करता है क्लाइंट प्लेस इट क्रिएट्स मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉय ठीक है एम्प्लॉय के ऊपर मॉरल चेक होता है मतलब एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि भाई ऑडिटर आ रहा है रेगुलरली मैंने इमोरल काम नहीं करने चाहिए पकड़ा जाऊंगा मैं जब ऑडिटर रेगुलरली क्लाइंट प्लेस को विजिट कर जब ऑडिटर ऑडिट audit के लिए क्लाइंट प्लेस को विजिट करता है रेगुलर बेसिस पे तो मॉरल चेक होता है मतलब एम्प्लॉयज़ के मन में डर होता है ऑडिटर का डर होता है कि गलत डर होता है और गलत काम नहीं करना चाहिए फिर ऑडिटर जब रेगुलरली विजिट करता है तो वो भी देखता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स मैनेजमेंट ने इतने बनाए हैं सिस्टम बना के रखा है स्टेप्स बना के रखे प्रोसीजर्स बना के रखा है काम कैसे होना चाहिए वैसा हो रहा कि नहीं हो रहा ये भी जाके देखता है कोई वेस्टेज या लॉसेस तो नहीं है ठीक है क्योंकि ऑडिटर को पूरा ओवरऑल नॉलेज होता है बिजनेस का नॉलेज होता है काफ़ी कुछ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करता है अरे यार आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है ठीक है अरे आपकी सैलरीज बहुत ज़्यादा लग रही है आपके वेजेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं फ्यूल एक्सपेंसिस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपका स्क्रैप बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वेस्टेज और लॉसेज ज्यादा लग रहे ऑल्टर ये भी बता देता है उसको जैसे ही पता चलता है पता चला तो बता देता है ठीक है इससे इससे क्लाइंट अपने लॉसेस और वेस्टेज को कम कर सकते हैं तो जब रेगुलरली विजिट करता है तो क्लाइंट तो एम्प्लॉयज के मन में डर क्रिएट होता है मॉरल चेक ठीक है फिर इंटरनल कंट्रोल्स बराबर चल रहे क्या रेगुलर जा रहा है वो तो समझ में आ जाता है एक दो दिन नाटक करेंगे रोज कैसे नाटक करेंगे समझ में आता है कि काम बराबर कर रहे कि नहीं कर रहे सिस्टम के हिसाब से और वेस्टेज और लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं ठीक है एडवांटेज है ऑडिट करवाने के फिर जब ऑडिटर अपना ऑडिट खत्म कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करता है इट सेव द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल जो रेगुलर बेसिस पे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है बहुत सारे लोग सिर्फ फाइनेंसियस होते हैं पैसा लगाते हैं उनके मन में चिंता लगी होती है कहीं मेरे पैसे को मिस तो नहीं कर रहे जब ऑडिट खत्म करता है तो वो लोग निश्चिंत होते हैं जब ऑडिट खत्म करता है अगर उसमें कोई गलती नहीं निकलती है तो नहीं क्या तो इन्वेस्टर्स जो है जो रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं है ठीक है दे गेट सेटिस्फाइड ओके देट देयर मनी देयर दे आर हैप्पी देर हैप्पी दे गेट सेटिस्फाइड ओके ऑडिटर ने अपना काम किया कोई गलती नहीं मिली तो ऑडिटर सेफ ऑडिटर ख्याल रखता है सेफ करता है इंटरेस्ट ऑफ दी फाइनेंसर जो रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं है ऑडिट है उसकी वजह से रेगुलरली अकाउंटिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑडिट अकाउंटेंट्स इंश्योर दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस ये भी एडवांटेज है ऑडिट खत्म जब हो रहा है ठीक है खत्म होता है एडवांटेज इट्स सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ़ द पीपल जो इन्वॉल्व नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग ऑडिट के भरोसे कंप्लीट हो जाती है ऑडिट होने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कई फायदे सबसे बड़ा फ़ायदा ठीक है आप गवर्नमेंट को कितने टैक्सेस भरने वो आपको समझ में आ जाता है फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे कितना इनकम टैक्स भरना है वो समझ में आ जाता है गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काम आ जाते हैं अगर लाइसेंस चाहिए तो काम आ जाते टैक्सेस भरने तो काम आ जाते अगर बैंक के पास जाके हमको लोन चाहिए तो काम आ जाता है सबसे पहले गवर्नमेंट के पास गए लाइसेंस मिल जाएगा गवर्नमेंट को हम टैक्सेस पे कर पाएंगे बैंक उससे छोटा वहाँ से लोन मिल गए फिर अगर हमारे डिस्प्यूट चल रहे ट्रेड यूनियन के साथ में ट्रेड यूनियन के साथ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में डिस्प्यूट चल रहे कि सही में हमारे बिजनेस को कितना लॉस हुआ है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा ठीक है क्लेम मांगने में आसानी होती है फिर ट्रेड यूनियंस है उनके साथ में निगोसिएशन करने में आसानी होती है उससे छोटे फिर अगर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है आखिरी में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है पार्टनर के डेथ पे एडमिशन पे तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो एडमिशन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना आसान हो जाता है कभी अगर ऐसी चीजें हुई तो तो रेगुलरली जाते हो उसके एडवांटेज है खत्म करते हो उसके एडवांटेज है खत्म होने के बाद में उसके भी कई एडवांटेज है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है साहब आप बोलेंगे देखो नवंबर मे नाइनटीन आरटीपी मे एटीन टेस्ट पेपर मे एटीन टेस्ट पेपर नवंबर सोलह आरटीपी में ठीक है प्रैक्टिस में कभी भी क्वेश्चन नहीं है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड करने से आपको अच्छे से याद होगा देन रिलेशनशिप बिटवीन पेज नंबर वन ट्वेंटी वन पे हम लोग और दैट इज छ पेज आगे पीडीएफ का वन ट्वेंटी सेवन नाइन नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग एंड लॉ ठीक है ऑडिट के दौरान ऑडिट के ऑडिट के दौरान ऑडिट के, के दौरान हमको चेक करना पड़ता है कि ये जो कंपनी एंटिटी जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स कर रही है क्या ये ट्रांजेक्शन्स वैलिड है आर दे वैलिड ट्रांजेक्शन वैलिड होते हैं अगर वो लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सही हो तो ऐसे 250 में भी हम लोग पढ़ते हैं ऐसे 250 में भी ये पढ़ाया जाता है ठीक है ऑडिटर की जिम्मेदारी है ये चेक करना ये चेक करना कि क्या कंपनी के ट्रांस कंपनी के ट्रांजेक्शन कंपनी का काम इज इट एज पर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंपॉर्टेंट लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या उसके हिसाब से चल रहा है ठीक है तो डेफिनेटली ऑडिट करते वक्त लॉ का नॉलेज होना चाहिए लॉ का नॉलेज होना चाहिए कौन से लॉस बिजनेस लॉस ठीक है आप सबसे ज्यादा लोगों के साथ अग्रीमेंट करते है कर, करते हैं तो बिजनेस लॉस का आपको अच्छा बिजनेस लॉस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए बिजनेस लॉस में क्या क्या आता है लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ठीक है आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसका नॉलेज होना चाहिए टैक्सेस रेगुलरली टैक्सेस काफी सारे पे करने पड़ते हैं इसलिए पूरा नॉलेज होना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी का कस्टम्स का बस इतना आपको समझाना है ऑडिट के दौरान हम चेक करते हैं कंपनी के ट्रांजेक्शन और चीजें वैलिड है क्या एज पर एक्ट रूल्स एंड रेगुलशन इसलिए बिजनेस लॉस का नॉलेज होना चाहिए बिजनेस लॉस 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 के examples, के टैक्स टैक्स का नॉलेज होना चाहिए आंसर खत्म अगले पेज पे अगर आप आएंगे तो फिफ्टींथ नंबर का क्वेश्चन है फिफ्टींथ नंबर का क्वेश्चन है वॉट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग एंड बिहेवियल साइंसेस बिहेवियल साइंसेस मतलब लोगों की साइकोलॉजी समझना ठीक है लोगों की साइकोलॉजी समझना ठीक है टीम की साइकोलॉजी समझना उसको बिहेवरियल साइंसेस लोगों की ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर समझना कैसा उनका बिहेवियर होता है ठीक है और कैसे उनके बिहेवियर उनके बिहेवियर ह्यूमन बीइंग्स को उसको यूज करके ह्यूमन बीइंग्स को अच्छे से उनसे कम्युनिकेट करना उनको मोटिवेट करना उनको इंस्पायर करना उनको मैनेज करना दैट इज कॉल्ड बिहेवियरियल साइंसेस ऑडिट में उसका क्या काम है ऑडिट में काम है सर स्टैचुट्री ऑडिट में स्टैचुट्री ऑडिट में हम लोग स्टैचुटरी ऑडिट में ठीक है हम लोग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखते हैं फाइनेंशियल चीज़ें देखते हैं लेकिन इसके साथ साथ में हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं सबसे पहले ठीक है हम लोग इंटरेक्ट करते हैं हमारी टीम से हमारी टीम से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है उनको डायरेक्शन देना पड़ता है उनको मोटिवेट करना पड़ता है अच्छे से काम करें बेहतर काम करने के लिए उनको हेल्प करना पड़ता है सपोर्ट करना पड़ता है क्लाइंट से हमको बात करनी पड़ती है मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है उन, उनसे उनको जज करना पड़ता है उनको जज करना पड़ता है उनसे जानकारी लेनी पड़ती है पूछताछ करनी पड़ती है तो वी डील विथ ह्यूमन बींग्स अ लॉट वहाँ पे ये बिहेवियल साइंसेस बिहेवियल साइंसेस ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन मैंटेलिटी ये सब हमको काम आएगा उसकी मदद से हम बेहतर काम कर पाएंगे हमारे टीम के साथ भी और बाहर वाले लोगों के साथ भी स्टैचूटरी ऑडिट में दोनों चीज़ें फिर इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट इंटरनल ऑडिट मतलब सिस्टम्स बराबर काम कर रहे हैं क्या मैनेजमेंट ऑडिट मतलब क्या टॉप मैनेजमेंट अपना काम अच्छे से कर रहना और टारगेट्स को अचीव कर पा रहना ऐसे भी ऑडिट्स होते हैं इसके अंदर इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में तो ह्यूमन इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है लोगों की डिसीजन मेकिंग कैसी है क्या डिसीजंस ले रहे हैं क्या डिसीजन्स लिया क्या, क्या करने वाले हैं आर दे डूइंग गुड कंपनी के टारगेट्स अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहाँ पे वो लोग सही जा रहे हैं कहाँ पे वो लोग गलत जा रहे हैं इसमें तो ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज होते हैं इंक्वायरी होती है पूछताछ होती है क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उनकी थॉट प्रोसेस को समझना होता है वहाँ पर तो और ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है ह्यूमन बींग्स पे ह्यूमन बिहेवियर में अगर कोई एथिकल बंदा है एथिक्स को सच मा एथिक्स को अच्छा मानता है सच्चाई पे जिद चलने वाला बंदा है तो डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली बिहेवियल साइंस का बहुत काम आने वाला है सर स्टैचूटरी ऑडिट में भी काम आता है इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिट में भी काम आता है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स तो बहुत जगह यूजफुल होते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन बिहेवियर दे आर डिपेंड ऑन ह्यूमन बिहेवियर इसलिए साइंसेस का बहुत यूज होता है देखिए ये बातें लिखते आनी चाहिए आपको जब आपके पॉइंट में दिमाग फिट होंगे, हाँ स्टेच्यूट में फाइनेंशियल और ये भी काम आता है इंटर मैनेजमेंट ऑर्ट में भी काम आता है और एक बार सुना हुआ रहना तो बहुत फर्क पड़ेगा थ्री पे आइए नंबर नाइनटीन का क्वेश्चन है द एडवाटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट दो तरह के ऑडिट के अप्रोच होते हैं ठीक है पहला आप रेगुलर बेसिस पे आप रेगुलर बेसिस पे आप मंथली बेसिस आप वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे या तो वीकली बेसिस पे या तो मंथली बेसिस पे या तो क्वार्टरली बेसिस तो पे आप जाइए और जाकर रेगुलरली आप ऑडिट करते रहिए रेगुलरली यू कीप ऑन ऑडिटिंग ठीक है और रेगुलरली ऑडिट करिए और उसके बाद में साल ख़त्म होने के बाद में रिपोर्ट दीजिए उसको हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट अप्रोच हम लोग हमारा ऑडिट रेगुलर हम लोग हमारा ऑडिट रेगुलरली चलते रहते रेगुलरली चलाते रहते हैं ठीक है और साल ख़त्म होने के बाद हमारी रिपोर्ट देते हैं दैट इज कंटिन्यूस ऑडिट अप्रोच और इसका अपोजिट होता है साल भर कुछ नहीं करना साल भर कुछ नहीं करना साल खत्म होने के बाद में साल खत्म होने के बाद पूरी अकाउंटिंग खत्म होने के बाद एक बार जाना एक बार जाना पूरा ऑडिट खत्म करके वापस आना उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल ऑडिट अप्रोच ठीक है कंटिन्यूस ऑडिट अप्रोच में हम रेगुलरली जाते रहते हैं रेगुलरली हम लोग जा रहे हैं रेगुलरली काम करते कर रहे हैं और वो रेगुलर काम की मदद से हम साल का ऑडिट खत्म कर देते और फाइनल ऑड अप्रोच में साल खत्म होने के बाद एकदम आखिरी में जाते हैं करेक्ट नाउ ये दो अलग अलग अप्रोचेस है अब हमको यहां पे देखना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट अप्रोच क्या एडवांटेजेस है कंटिन्यूस ऑडिट अप्रोच के हम रेगुलरली जाते हैं रेगुलरली जाते तो वापस मॉरल चेक ठीक है रेगुलर जाते हैं तो एम्प्लॉयज के मन में डर होता है एक मॉरल चेक होता है कि हमने कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए हम पकड़े जाएंगे करेक्ट मॉरल चेक क्रिएट करता है देखिए ये एडवांटेज हम पहले भी पढ़कर आए ठीक है अगर फिर हम लोग रेगुलरली जाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मन से और भी ऐड कर सकते हैं रेगुलर जाएंगे मॉरल चेक क्रिएट करता है रेगुलरली जाएंगे जो एडवांटेज हम ऑडिट के भी पढ़ के आए वो भी अगर आप कुछ लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रेगुलरली जाएंगे मॉरल चेक क्रिएट करता है रेगुलरली जाएंगे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बराबर चल रहे ना जो हम पढ़ के आए थे रेगुलर जाएंगे तो वेस्टेज लॉसेस ठीक है लेकिन वेस्टेज लॉसेस हमको मिल जाएंगे वो भी आप लिख सकते हो तो रेगुलरली जाने के बहुत सारे फायदे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपडेटेड रहते हैं रेगुलरली जाते तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप टू डेट रहते हैं रेगुलर अकाउंटिंग होती रहती है क्योंकि पता है ऑडिटर आने वाला है तो अकाउंटेंट लोग रेगुलरली अपना काम खत्म करते रहते हैं एरर्स हमको जल्दी मिल जाते हैं जल्दी एरर्स को हम जल्दी पकड़ लेते हैं फ्रॉड्स को हम लोग जल्दी पकड़ लेते हैं इनको ज्यादा फैलने नहीं देते हम लोग ठीक है हमारे पास बहुत टाइम होता है इसलिए डिटेल्ड चेकिंग हम आसानी से कर सकते हैं डिटेल चाहिए आसानी कैसे कर सकते हैं और साल के एंड में ऑडिट बहुत फास्ट कंप्लीट क्योंकि हम पूरा काम पहले ही कर चुके हैं हम लोग बहुत फास्ट ऑडिट कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट देते हैं तो हम देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट एज कंपेयर टू फाइनल ऑडिट अप्रोच ऐसे ज्यादा क्या एडवांटेज क्या है रेगुलरली जाने से मॉरल चेक ठीक है रेगुलरली जाने से यहां पे जो देखिए वो मॉरल चेक है बुक्स और अकाउंट्स कंप्लीट रहना एरर के लिए ज्यादा एरर जल्दी पकड़ में आ जाना फ्रॉड जल्दी पकड़ में आ जाना ज्यादा फैलने का उसको चांस नहीं मिलता है ज्यादा समय मिलता है अच्छे से हम लोग चेकिंग करते हैं ठीक है ठीके? और आखिरी में जल्दी रूटीन ट्रांजेक्शन खत्म करके रिपोर्ट दे सकते हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है देर आर डिसएडवांटेजेस ठीक है डिसएडवांटेज इतने बार हमको विजिट करना पड़ता है इतनी बार टीम को ले जाना ले जाना आना, जाना आना इसमें बहुत टाइम का वेस्टेज होता है बार बार जाना बार बार आना जाना उसमें टाइम का वेस्टेज हो जाता है टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा बार बार इतने बार आने जाने में टाइम था। था। बहुत वेस्ट हो गया फिर ठीक है हो सकता है टाइम बहुत वेस्ट हो गया पैसा बहुत वेस्ट हो गया हो सकता है ठीक है काम में ओवर लुकिंग हो जाए कुछ काम छूट जाए पिछले बार हम लोग पिछले बार हम गए थे हमने एक एरिया को आधा ही काम किया था भूल गए फिर वो हम लोग अगली बार गए हम लोग भूल गए कि हमने आधा ही काम किया था टिक किया हुआ था हमको लगा टिक तो, किया हुआ ये तो पूरा हो गया ये बार बार आने जाने में हो सकता है किसी विजिट में काम तो, आधा रहा था और अगले विजिट में तो वो करे ही ना हो सकता है काम ओवर हो तो जाए ओवर लुकिंग के पूरे चांसेस है ठीक है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग ऑडिट कर चुके थे कुछ अकाउंट्स को फ्रीज कर चुके थे कुछ अकाउंट्स को हम फ्रीज़ कर चुके थे भाई इसका ऑडिट कंप्लीट हो गया लेकिन इंटेंशनली अनटेंशनली हो सकता है क्लाइंट उसके अमाउंट्स को फिर से चेंज कर दे हम फिक्स एसेट को फ्रीज़ कर चुके थे लेकिन फिर से इन्होंने चेंज कर दिया फिर से इन्होंने चीज़ों को चेंज कर दिया करेक्ट दैट इज़ अ डिसएडवांटेज प्रॉब्लम है आने आने में टाइम और कॉस्ट का बहुत ज़्यादा वेस्टेज है ओवरलुकिंग के चांसेस है और ठीक है हो सकता है कि अल्ट्रेशन हम जो चीज ऑडिट कर चुके हैं जो अकाउंट्स फाइनलाइज कर चुके हैं उसका अमाउंट ये फिर से बदल दे हमने फाइनलाइज कर दिया था फिक्स एसेट्स इन्होंने फिर बदल दिया हमने फाइनलाइज कर दिया प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इन्होंने फिर बदल दिया हमने फाइनलाइज कर दिया प्रोविजन फॉर आपका प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट इन्होंने फिर बदल दिया ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंटेंशनली या फिर अन कैसे प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए पहले तो ठीक है क्लाइंट को हम लोग एक काम कर सकते हैं हमारे जो विजिट्स है उसके बारे में पूरा नॉलेज हमारे जो विजिट्स है इरेगुलर टाइम पे हम लोग रख सकते हैं अगर हम बहुत रेगुलर हो जाएंगे ना हर महीने के पांच तारीख को हम लोग आते हैं तो हम बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाएंगे और हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्लाइंट पूरी प्लानिंग कर सकता है कि जो भी गलत काम करने रहे हैं तारीख के पहले कर लो ऐसा हो सकता है अगर हम प्रडिक्टेबल बन जाएंगे तो लोग इसको मिस कर सकते हैं इसलिए हमारे जो विजिट्स है वो इेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रखो ताकि हम प्रिडिक्टेबल ना रहे सरप्राइज एलिमेंट रहे फिर फिक्स कर दो हर विजिट में कितना काम होगा और सबको बोलना है उतना काम तो होना ही चाहिए ठीक है उतना काम करना ही करना है सबको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इतने विजिट में इतना काम खत्म इतने विजिट में इतना काम खत्म तो आपके जो विजिट है वो इररेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में रहिए फिक्स्ड शेड्यूल फिक्स्ड शेड्यूल बना लीजिए कि हर विजिट में कितना काम करना चाहिए उतना काम करना ही करना पड़ेगा देन इंपॉर्टेंट बैलेंसेस को नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट बैलेंस को नोट कर लीजिए जिसका आप ऑडिट खत्म कर चुके हो और इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि किसी को भी अगर चेंज करना है आपको तो पहले हमको बताएंगे परमिशन लेंगे फिर चेंज करेंगे नॉर्मल अकाउंट्स में कंटिन्यूस अकाउंटिंग एंट्रीज चलती रहती है उसको आप आखिरी में चेक करिए अगर आप ऐसा करेंगे तो डिसएडवांटेज दूर करेंगे ठीक है फाइनल कंक्लूजन कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए बड़े ऑडिट्स के लिए हम लोगों ने कंटिन्यूस ऑडिट अप्रोच यूज करनी चाहिए और छोटे ऑडिट्स के लिए हम लोगों ने फाइनल ऑडिट अप्रोच यूज करना चाहिए फाइनल ऑडिट अप्रोच एंड कंटिन्यूस ऑडिट अप्रोच एंड फाइनल ऑडिट अप्रोच बड़े क्लाइंट्स अपनी टीम बिजी रहेंगी साल भर बड़े क्लाइंट्स के साथ ठीक है उसका काम और साल के एंड में छोटे क्लाइंट्स के साथ तो टीम के पास में पूरा बारह महीने काम रहेगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए इट इज गुड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सी सी एफ के मैनेजमेंट के लिए ये अच्छा रहेगा ये देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोग कॉन्सेप्ट ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ठीक है ऑडिट मतलब क्या ऑडिट मतलब क्या उसके कैसे चेक करना मिसरीडिंग तो नहीं ये चीज़ें वो देखा हम लोगों ने एड फिर रिलेशनशिप देखिए ऑडिट के अलग अलग लॉ के साथ रिलेशनशिप बिहेवियल साइंस के साथ रिलेशनशिप एडवांटेज डिसएडवांटेज देखिए अभी हमने दो तरह के अप्रोच देखे कंटिन्यूसऑड अप्रोच के एडवांटेज डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज को कैसे दूर करना नाउ सरप्राइज चेक्स ठीक है अगर आप प्रिडिक्टेबल बन जाओगे तो क्लाइंट प्लानिंग करके आपको बेवकूफ बना देगा इसीलिए इसीलिए आपके ऑडिट में ठीक है सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए आप कब ऑडिट करने जाने वाले हो उसमें आप कब ऑडिट करने जाने वाले हो उसमें सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए कब जाओगे कैसे चेक करोगे क्या चेक करोगे करेक्ट कौन चेक करेगा इन सब चीजों में सरप्राइज एलिमेंट रहेगा तो इट विल बी गुड तो सामने वाले को प्लानिंग करने का सामने वाले को प्लानिंग करने का मौका नहीं मिलेगा ठीक है एडवांटेज इसके नंबर वन एडवांटेज अगर जैसी क्लाइंट को पता जैसी क्लाइंट को पता चलेगा सरप्राइज चेक करता है कभी भी आ जाता है अगेन बार बार एक ही एडवांटेज मॉरल चेक इट क्रिएट्स मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज एक डर बनाता है कि भाई गलत काम नहीं करना इससे ये भी समझ में आता है कि हमारे अपसेंस में भी हमारे पीठ पीछे भी जाके समझ में आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को बराबर फॉलो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम कोई लोग बराबर फॉलो करते हैं ना ई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है बहुत ही लिमिटेड लोगों का कंप्यूटर रूम में जाना लिमिटेड लोगों को वहाँ पे एक्सेस देना सही तरीके से इनपुट करना प्रोसेसिंग करना आउटपुट करना चीजों को अपडेट रखना ईडीपी प्रोसेसिंग जो बोलते हैं वो भी अच्छे है ना कंप्यूटर प्रोसेसिंग मतलब ही और वेदर और नॉट एरर एग्जिस्ट इससे हमको बहुत सारी गलतियां मिलती है गलतियां हम लोग बहुत सारी गलतियां मिलती है हम लोग मैनेजमेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं उसको ठीक करते हैं ये सब एडवांटेजेस है ऑल दीज आर वेरी सिंपल एडवांटेज रेगुलरली जाएंगे मॉरल चेक रेगुलर चाहेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर काम कराना सरप्राइज चेक करेंगे ठीक है तो लोगों के मन में डर होता है सरप्राइज चेक करते देखिए हमारे पीठ पीछे सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है ईडी डी भी सिस्टम फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है ये हमको पता चलता है और एरर जल्दी पकड़ में आएंगे क्योंकि सामने वाले को हमने मौका ही नहीं दिया ना सामने वाले को मौका ही नहीं दिया हम लोगों ने चीज़ों को छुपाने का फ्रॉड एरर जल्दी हमको पकड़ में आएंगे कितना नीड एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स डिपेंड्स रिस्क कितनी है अगर रिस्क अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है अगर बहुत ही रिस्की क्लाइंट है बहुत ज़्यादा रिस्की क्लाइंट है रिस्क ज़्यादा है तो फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी सिस्टम्स वीक है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी लोकेशन हमारे से बहुत नज़दीक है ठीक है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है रिस्क लेवल रिस्क लेवल ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सिस्टम बेकार है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेक्ट इनके बहुत सारे लोकेशन है यार बहुत से लोकेशन कवर करने हैं तो थोड़ा सरप्राइज चेक ज़्यादा करने पड़ेंगे हमको वो भी लोकेशन वैसा भी सोच सकते हैं तो पहले देखा कि सरप्राइज चेक क्या होता है सरप्राइज चेक के एडवांटेज क्या होते हैं नीड एंड फ्रीक्वेंसी क्या हम लोग साल खत्म होने के बाद में भी सरप्राइज चेक कर सकते हैं यस ऑर्डर इज अपॉइंटेड अप टू द एंड ऑफ द एजीएम एजीएम खत्म होने तक हम ऑर्डर रहते हैं तो साल खत्म होने के बाद में भी हम लोग साल खत्म होने के बाद में भी हम लोग ए तक ऑडिटर बने रहते हैं हम ऑडिटर्स होते हैं हमारे पास में सारे पावर्स होते हैं हमारी सारी ड्यूटीज़ होती है सारे पावर्स होते हैं तो डेफिनेटली साल ख़त्म होने के बाद में भी हम सरप्राइज चेक कर सकते हैं ठीक है तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी तो हमको चेक करना होता है इसलिए साल ख़त्म होने के बाद में भी हम लोग सरप्राइज चेक कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल कौन से एरियाज में सरप्राइज चेक्स काम आएंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बराबर चल रहे हैं रिकॉर्ड्स बराबर अपडेटेड है इसमें खास काम आते हैं इन्वेस्टमेंट का बैलेंस सही में है ये लोग नकली बैलेंस तो कहीं से अरेंज नहीं करते इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंट्री कैश पहले इन्वेस्टमेंट्स आते हैं इन्वेंट्री कैश सही में कंपनी के पास में इसके बैलेंसेस है ना ऐसा तो नहीं जब हम लोग विजिट करने वाले थे तो ये लोग कहीं से लेकर आते हैं ठीक है देखिये फटाफट -फड़ एक ओवरव्यू आपने अगर कॉन्सेप्ट सुना हुआ है आपने कॉन्सेप्ट सुना हुआ है क्वेश्चन देखा हुआ है कॉन्सेप्ट सुना हुआ है फ्रेश आपको फ्लो पता है मार्किंग पता है तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इट विल बी रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ना वट इज एग्जामिनेशन इन डेप्थ बहुत सिंपल बहुत आसान किसी भी ट्रांजेक्शन को पिक करना कुछ ट्रांजेक्शन को पिक करना शुरुआत से लेके इसका इनिशिएशन कैसे होता है शुरुआत से लेके आखिरी तक इसका इनिशिएशन कैसे हुआ था इसका प्रोसेसिंग कैसे हुआ था इसका कंक्लूजन कैसे हुआ था ठीक है कौन से कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने अकाउंटिंग कैसे हुई कैसे उसको अकाउंट में ट्रीट किया गया इसको शुरुआत से लेके ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेके आखिरी तक इनिशियलाइजेशन प्रोसेसिंग कंक्लूजन पूरा ट्रांजैक्शन का स्टडी करना एग्जामिनेशन करना उसके पूरे अकाउंटिंग कौन से कौन से रिकॉर्ड्स बने कौन से कौन से रजिस्टर्स बने वो पूरे देखते हुए जाना ठीक है इनडेप्थ देखते जाना उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इनडेप्थ ठीक है बहुत सारे ट्रांजेक्शन में कम चीजें चेक करना उससे अच्छा कुछ ट्रांजेक्शन में शुरुआत से लेकर आखिरी तक कुछ ट्रांजेक्शन में शुरुआत से लेकर आखिरी तक इनडेप्थ चेकिंग करना शुरुआत से लेकर आखिरी तक अगर आप इनडेप्थ चेकिंग करोगे इफ यू इनडेप्थ चेकिंग दैट विल बी ठीक है डेप्थ चेकिंग इनडेप्थ चेकिंग अगर आप करोगे दैट विल बी ठीक है वो और ज्यादा यूजफुल रहेगा ठीक है और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है बस ये एग्जाम्पल में पूरा का पूरा आंसर करो था उसको एग्जामिनेशन डेप्थ ठीक है उसको एग्जामिनेशन डेप्थ पहले परचेस है तो आपके पी आर एन परचेस रिक्वे नोट क्या परचेस रिक्वे नोट का एक फॉर्मेट फिक्स्ड है क्या वो प्री नंबर्ड है उसका परचेस परचेज नोट का फॉर्मेट फिक्स होना चाहिए प्री नंबर्ड होना चाहिए उसकी कस्टडी रिस्पॉन्सिबल लोग के हाथ में होनी चाहिए हर परचेस के लिए पहले पी आर एन बना के ये चीजें है और पी आर एन बना के पी आर एन बनने परचेस रिक्वेसन नोट बना के उसको सही बंदे ने ऑथराइज किया ना ऑथराइजेशन के बाद में ऑथराइजेशन हो गया ऑथराइजेशन के बाद में फिर क्या उसके ऊपर हम लोगों ने मार्केट से कोटेशंस मंगाए क्या सप्लायर से कोटेशन मंगाए क्या उस मटेरियल के कि कौन कितना प्राइस में बेचने को तैयार है कोटेशंस मंगाए गए कोटेशंस के बाद में फिर बेस्ट कोटेशन सिलेक्ट करके परचेस ऑर्डर परचेस ऑर्डर का फॉर्मेट फिक्स होना चाहिए उसको प्री प्रीडम्बर्ड होना चाहिए सही बंदे ने परचेस ऑर्डर बनाया ना सीनियर ने फिर से उसको अप्रूव किया ना परचेस ऑर्डर अप्रूव होने के बाद में परचेस ऑर्डर अप्रूव होने के बाद में गुड्स आते हैं तो गुड्स आए तो गुड्स के साथ में डिलीवरी नोट डिलीवरी नोट आया ना डिलीवरी नोट और इसकी क्वांटिटी मैच हुई ना वो देखना चाहिए फिर क्या क्वालिटी चेक हुआ ना क्वालिटी चेक करने के बाद में जी आर एन गुड रिसीप्टोट सही तरीके से बनाना ठीक है गुड नोट बराबर बढ़ाना इनवर्ड रिसीप्ट भी बोल सकते हैं उसको इनवर्ड रिसीप्ट बराबर बनाना बनने के बाद में ठीक है बराबर है सब ठीक है गोडाउन में बराबर गुड्स रखे गए ना फिर स्टॉक रजिस्टर में बराबर उसकी एंट्री हुई ना स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री होनी चाहिए सही तरीके से वो हुआ ना स्टॉक रजिस्टर में एंट्री के बाद में वहाँ से हमको परचेस इन्वाइस आता है परचेस इन्वाइस आता है तो परचेस इन्वाइस के बेस पे परचेस बुक में एंट्री हुई ना उसको फिर क्रेडिटर में पोस्टिंग की ना फिर लेजर आता सप्लायर लेजर भेजता है ले वापस चेक कर लो लेजर में जितने बिल और हमने जितने बिल अकाउंट के बराबर है ना फिर डिविट आती है डिविट पर बराबर चेक प्रिंट हुआ ना उसको सही लोगों ने ऑथराइज किया ना सामने वाले को पेमेंट किया ना पेमेंट हो गया सामने वाले के साथ फिर कंफर्मेशन कि भाई परचेस हमारे बुक्स में सप्लायर का लेजर सप्लायर के बुक्स में हमारा लेजर बराबर मैच हो रहा ना शुरुआत से लेके एकदम आखिरी तक आखिरी तक ट्रांजेक्शन कैसे इनिशिएट हुआ कैसे आगे प्रोसेस हुआ कैसे प्रोसेस के बाद में कंक्लूड हुआ एंड में क्या हुआ अकाउंट ठीक है कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन से रजिस्टर कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन से रजिस्टर्स बीच में बने इन सब को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना काम बराबर चल रहा है ना उसको एग्जामिनेशन इनडेप्थ बोलते हैं ठीक है ये जो लाइन्स है चेन ऑफ चेन ऑफ स्मॉल स्मॉल चेन ऑफ स्मॉल स्मॉल इवेंट्स ये जो पूरा लाइन्स है शुरुआत से लेकर आखिरी तक चेन ऑफ स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज प्रोसीजर्स इवेंट्स दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट ट्रेल ठीक है उसको हम उसी को हम लोग ऑडिट ट्रेल बोलते हैं ऑडिट ट्रेल इज द स्मॉल स्मॉल इवेंट प्रोसीजर्स विच हैपन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टिल द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन ठीक है पूरे जो स्मॉल फ्रॉम एंड टिल फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड

अगर बहुत अच्छी सिस्टम्स है बहुत अच्छी सिस्टम्स है रिस्क कम है तो सैंपल साइज कम हो जाता एग्जामिनेशन इन डेप्थ क्वालिटीज अब आप बोलेंगे सर ये क्वालिटीज भी अरे लेकिन एग्जाम मे 19 आरटीपी में मे 18 मॉक टेस्ट पेपर में नवंबर 17 आरटीपी में फिर मॉक टेस्ट पेपर में क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर पहले प्रोफेशनल क्वालिटीज प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिटीज ऑडिट करने बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए अगर इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने करें उसका नॉलेज होना चाहिए इंश्योरेंस का नॉलेज होना चाहिए कितने तरह की पॉलिसीज होती है कितने तरह की पॉलिसीज होती है किस तरह के प्रीमियम्स होते हैं ठीक है किस तरह से कमीशन होते हैं कैसे क्लेम्स होते हैं कहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं आई आर डी ये आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए सर बिजनेस नॉलेज फिर जो लॉ जो स्पेशल लॉ रूल्स रेगुलेशंस आई के लॉ रूल्स रेगुलेशन इंश्योरेंस एक्ट आई के लॉ रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए बैंक के तो बैंकिंग रेगुलेशन पता होने चाहिए बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए लॉ का नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का नॉलेज अकाउंटिंग सिस्टम्स का नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग में अकाउंटिंग सिस्टम्स कौन अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए ठीक है अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए अलग अलग अकाउंटिंग अगर अलग अलग फाइनेंशियल इवेंट्स का फाइनेंशियल इवेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी उसका नॉलेज होना चाहिए पहले बिजनेस है बिजनेस के बाद में लॉज है लॉज के बाद में अकाउंटिंग सिस्टम्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग सिस्टम्स है उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी वो ऑडिट के पूरा नॉलेज स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग गाइडेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए लेटेस्ट डेवलपमेंट्स लेटेस्ट चेंजेस क्या आ रहे हैं वॉट आर द चेंजेस इन सब चीज़ों में लॉ में लॉ में क्या चेंजेस आ रहे हैं ठीक है अकाउंट्स में क्या चेंजेस लॉ बिजनेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं लॉ में क्या चेंजेस आ रहे हैं अकाउंट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं ऑडिट में क्या चेंजेस आ रहे हैं रिसेंट चेंजेस हमको पता होने चाहिए ये टेक्निकल क्वालिटीज़ है कॉमन सेंस बिजनेस लॉ अकाउंटिंग ऑडिटिंग और सबके करंट डेवलपमेंट्स पर्सनल क्वालिटीज एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस पूरा शुरू हो जाना सी का ऑफिस कॉन्फिडेंशलिटी मेंटेन करना चाहिए प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस और ड्यू केयर होना चाहिए बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए ठीक है इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी होनी चाहिए बंदा ऑफिस ऑफ सी है अगर आपको याद इंटीरिटी होनी चाहिए बंदा एथिकल होना चाहिए बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए सारी बातें हैं उसमें सेम आखिरी में जो किसी भी आदमी में होनी चाहिए दिमाग चलाने की एबिलिटी एनालिटिकल अप्रोच सोचना समझना कैसे फिगर को कहां कहां से चेक कर सकते कहां, कहां से इसको मैच कर सकते हैं और कहां से इसको चेक कर सकते हैं क्या कैलकुलेशंस करके इसको मैच कर दू एनालिटिकल माइंड प्रैक्टिकल अप्रोच जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है एनालिकल माइंड उन्हें कहां कहां से चीजों को चेक कर सकते हैं कोई भी सोल्यूशन लेके आओ कोई भी चेकिंग लेके आओ वो प्रैक्टिकल लेके आना चाहिए उसने एकदम अनरियलिस्टिक चीजें लेके ले आनी चाहिए हर जगह पे एक्सपर्ट चाहिए ऐसा नहीं चलेगा सब एनाटिकल अप्रोच होना चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए अप्रोच ये दो पॉइंट अप्रोच के है अप्रोच कैसे होने चाहिए थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए और बहुत ही कॉमन पेशेंस पेशेंस और कॉमन सेंस कॉमन सेंस तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है विच इज वेरी अनकॉमन फेमस पर्सनलिटीज में भी सेम डिक्सी और जस्टिस लिंडले इन्होंने भी यही बोला हुआ है तो कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज है कुछ पर्सनल क्वालिटीज है प्रोविजंस गिविंग कॉन्क्रीट शेप कॉन्क्रीट शेप टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस ट्वेंटी नाइन नंबर का है. ऐसे ऐसे कंपनीज एक्ट में ऐसी कौन सी बातें हैं कंपनीज एक्ट में ऐसी कौन सी बातें कंपनीज एक्ट में ऐसी कौन सी बातें हैं कौन सी बातें हैं जो ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करती है नंबर वन डिसक्वालिफिकेशन जितने भी लोग फाइनेंशियली पर्सनली लीगली डिपेंडेंट है कंपनी के ऊपर उनको डिसक्वालीफाई करने से डिसक्वालीफिकेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग डिस्कवालिफ़िकेशन की वजह से जो लोग डिपेंडेंट है कंपनी के ऊपर ठीक है वो बाहर होते हैं इट डेफिनेट ठीक है ओनली इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ऑडिट कर सकते हैं डिसक्वालीफिकेशन इज़ वेरी गुड डिसक्वालीफिकेशन से डिपेंडेंट लोग बाहर हो जाते हैं सिर्फ इंडिपेंडेंट लोग ही ऑडिट कर सकते हैं डिसक्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छा है उसके बाद में रोटेशन रोटेशन की वजह से रोटेशन भी बहुत अच्छा है कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप ना बन जाए और उसकी वजह से इंडिपेंडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए इसलिए रेगुलर बेसिस पे रोटेशन रेगुलर बेसिस पे रोटेशन होना इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग बहुत अच्छी चीज़ है जो इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करती है नहीं तो बहुत अच्छे रिलेशन हो गए और उनको बहुत अच्छे रिलेशन हो गए और अब इंडिपेंडेंस को बाजू में करके उनके अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं डिस्कालीफिकेशनस है ठीक है डिपेंडेंट लोग दूर रहते हैं ऑर्डर इंडिपेंडेंट रहता है रोटेशन से फिर से डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होती है ऑर्डर इंडिपेंडेंट रहता है फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट री में ऑडिट कमिटीज और शेयर होल्डर्स अपॉइंटमेंट्स और री में रिमूवल्स में मैनेजमेंट से ज्यादा ऑडिट कमिटी और शेयर होल्डर्स रोल प्ले करते हैं इससे भी वो लोग मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते इट प्रोटेक्ट्स इंडिपेंडेंस ठीक है फिर ऑडिटर को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कभी भी वो रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है और दुनिया के सामने ला सकता है रिपोर्ट क्वालिफाई करके पूरी उसको फ्रीडम दी हुई है इससे वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है इट इंप्रूव्स इंडिपेंडेंस डर के नहीं रहता है मैनेजमेंट से मैनेजमेंट के दबाव में नहीं आता है और आखिरी में सीलिंग सीलिंग लिमिट से मुझे लगता है क्वालिटी इंप्रूव होती है क्वालिटी इंप्रूव होती है सीलिंग लिमिट कि हम मैक्सिमम कितने ऑडिट कर सकते हैं कम ऑडिट करेंगे तो बहुत अच्छे क्वालिटी का ऑडिट करेंगे इट विल बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑडिट करेंगे चेक कर पाएंगे कि हमारी टीम अच्छे से काम कर रही है ना कोई गिफ्ट विफ्ट तो नहीं ले रही तो क्वालिटी इंप्रूव होगी ओवरऑल ऐसा हम बोल सकते हैं एक चीज़ अभी रेलेवेंट नहीं है पहले स्पेशल रेजोल्यूशनस कई कई पे स्पेशल रेजोल्यूशंस लगते थे अपॉइंटमेंट के लिए अब नहीं लगते तो वहां पे मैंने नॉट रिलेवेंट लिखा है तो डिस्कॉलीफिकेशनस इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है इंडिपेंडेंट डिसक्वालिफिकेशन की वजह से ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं रोटेशन की वजह से इंडिपेंडेंस मेंटेन होता है आपके री अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी शेयर होल्डर्स के हाथ में उससे इंडिपेंडेंस मेंटेन होता है क्वालिफाई करते हैं तो डर नहीं होता है इसलिए वापस होता है, और आखिरी में सीलिंग लिमिट से क्वालिटी इंप्रूव होती है ऐसा हम बोल सकते हैं तो कंपनीज एक्ट में ऐसी कौन सी बातें लिखी है जिससे इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट होता है वो हमने देखा एक भी क्वेश्चन मैंने मेरे मन से बनाया नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपके एम टीपीज आर टीपीज स्टडी मटेरियल से आए हैं टाइप्स ऑफ थ्रेट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ठीक है स्टडी मटेरियल नवंबर 18 मॉक टेस्ट पेपर मे मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 19 की आरटीपी बहुत जगह घूम रहा है थ्रेट्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ थ्रेट्स कौन सी चीजें ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को ठीक है इंडिपेंडेंस को कौन सी चीजें ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के लिए खतरा बन सकती है प्रॉब्लम बन सकती है थ्रेड बन सकते हैं कौन से सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर इंडिपेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और गलत रिपोर्ट दे सकता है देखिए अलग अलग तरह के थ्रेट्स है अलग अलग तरह के थ्रेट्स है थर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन है थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है different types of threats, different types of threats. Let's see. Okay. Now, अलग-अलग तरह के threats कौन से देखिए आसान है सेल्फ इंटरेस्ट रेट अगर ऑडिटर अगर ऑडिटर का खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर ऑडिटर का खुद का पैसा लगाया कंपनी के इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स में डिबेंचर शेयर्स में खुद का अकेले या किसी के साथ मिलकर अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है पैसा लगा हुआ है सिक्योरिटीज में वो खुद ओनर है करेक्ट तो खुद के शेयर्स को बचाने के लिए खुद के डिबेंचर्स को बचाने के लिए ठीक है वो निगेटिव रिपोर्ट नहीं देगा हो सकता है वो निगेटिव रिपोर्ट ना दे दैट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अगर खुद का पैसा लगा हुआ है खुद का पैसा लगा हुआ है खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो हो सकता है वो रिपोर्ट ना दे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट खुद ने लोन दे के रखा है दे के, है ले के रखा है या लेके रखा है ठीक है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई मेरे लोन के पैसे डूब ना जाए ये लोग डूबा ना दे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वापस गलत रिपोर्ट दे सकता है बिज़नेस रिलेशनशिप है मैं बिज़नेस मेरी फैमिली का बिज़नेस मेरा मेरी फैमिली का बिज़नेस रिलेशनशिप है मैं क्लाइंट खोना नहीं चाहता इसलिए हो सकता है गलत रिपोर्ट दे बिजनेस के बाद जॉब ये मुझे जॉब दे सकते हैं कल जाके मैं मेरी ऑडिट फॉर्म छोड़ दूंगा मुझे अच्छा खासा जॉब दे सकते हैं ठीक है खुद के जॉब के चक्कर में गलत रिपोर्ट दे सकता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस में इतनी फीस ज्यादा है मेरे फर्म की सिक्सटी परसेंट फीस यहां से सकती है अगर ओवर डिपेंड ऑन फीस है तो फीस को प्रोटेक्ट करने के लिए गलत रिपोर्ट दे सकता है कॉन्टिंजेंट फीस है अगर निगेटिव रिपोर्ट दूंगा तो ये मेरी फीस कम कर देगा ठीक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है गलत रिपोर्ट दे सकता है खुद का पैसा लगाए फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसके लिए गलत रिपोर्ट दे सकता है लोन की वजह से गलत रिपोर्ट दे सकता है पहले दो पॉइंट है साथ में फिर एक सीए क्या काम कर सकता है बिजनेस ठीक है बिजनेस कर सकता है बिजनेस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए गलत रिपोर्ट दे सकता है जॉब के लिए आगे जॉब मिल सकता है यार जॉब आप फ्यूचर जॉब को सिक्योर करने के लिए गलत रिपोर्ट दे सकता है प्रैक्टिस में डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा फीस के ऊपर गलत रिपोर्ट दे सकता है फीस कॉन्टिजेंट है ज्यादा फीस के लिए गलत रिपोर्ट दे सकता है समझे आप पॉइंट क्लियर तो पैसे का मामला है गलत रिपोर्ट फिर ये सीए डज जनरली बिजनेस करता है उसका पॉइंट है जॉब करता है उसका पॉइंट है प्रैक्टिस करता है उसका पॉइंट है ऐसे याद रखना पड़ेगा ये सरकम दीज आर थ्रेट्स अगर ऐसी चीजें है अगर ऑडिटर के साथ में ऐसी चीजें है पैसा लगा है पैसा लगा है लोन लिया दिया है ठीक है बिजनेस रिलेशनशिप है पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है फीस के ऊपर डिपेंडेंसी है फीस है इन सब चीजों की वजह से खुद का खुद के बेनिफिट के लिए के के threat, के अगर अगर तो खुद के बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए गलत काम हो सकता है उसको बोलते सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट खुद का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ऐसी अगर ऐसे सरकम रहेंगे तो खुद का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए गलत काम हो सकता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट सर ये क्या होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट What डू यू मीन बाय सेल्फ सेल्फ रिव्यू ठीक है सेल्फ रिव्यू थ्रेट बहुत सिंपल है सब सेल्फ रिव्यू थ्रेट ठीक है खुद का काम अगर खुद चेक करने जाओगे तो हो सकता है गलत रिपोर्ट देते मतलब सर एग्जाम्पल हमने ही कंपनी का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया हमने ही डेवलप किया अगर हम ही खुद चेक करने जाएंगे तो हो सकता है हम गलत रिपोर्ट दें सेल्फ रिव्यू थ्रेट ठीक है ट्रायल बैलेंस तक पूरा हमने ही बना के दिया है अभी हम ही ऑडिट करने जा रहे हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट हमने सिस्टम हमने ही बनाया हम ही चेक करने जाएंगे तो हो सकता है हम सही रिपोर्ट ना दें सेल्फ रिव्यू थ्रेट हमने ही ट्रायल बैलेंस बनाया हमने डेटा बनाया ठीक है हम ही खुद चेक कराएंगे ठीक है हो सकता है हम सही रिपोर्ट ना दे सेल्फ रिव्यू थ्रेट हमने ही पूरी अकाउंटिंग कंसल्टेंसी दी है हम कैसे गलती निकाले सेल्फ रिव्यू थ्रेट कंपनी का डायरेक्टर टीम मेंबर बन गया कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर टीम मेंबर बन गए अब वो खुद का ही खुद के डिसीजंस खुद की अकाउंटिंग चेक कर रहा है गलत कैसे बोले सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो बंदा कंपनी में बहुत ज्यादा अकाउंट संभाल रहा था वो ऑडिट टीम मेंबर बन गया है कैसे गलती निकाले खुद की गलती कैसे निकालेंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेट ठीक है सालों से ऑडिट कर रहे एक बहुत बड़ी गलती मिली है बहुत बड़ी गलती मिली है कैसे लोगों को बताएंगे कि सालों से हम ये गलती ठीक है गलती नहीं गलती पकड़ नहीं पाए थे कैसे लोगों को बताएंगे बदनामी होगी बहुत बदनामी होगी बहुत ज्यादा बदनामी होगी ठीक है अगर एक ही ऑडिट काफी लंबे समय तक कर रहे हो तो हो सकता है कि खुद की पुरानी गलतियां ना बताए सेल्फ रिव्यू थ्रेट बात समझ रहे आप सिस्टम हमने बनाया था कैसे रिपोर्ट देंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेट ओरिजिनल डेटा हमने बनाया था कंसल्टेंसी हमने दी थी डायरेक्टर खुद अपना काम चेक कर रहा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट एम्प्लॉय खुद अपना काम चेक कर रहा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट रिवेल्युएशन में गलती मिल रही है कैसे खुद की गलती बता दे सेल्फ रिव्यू थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट सी एफ एम का एक डिपार्टमेंट शेयर्स को प्रमोट कर रहा है कंपनी की बहुत पब्लिसिटी कर रहा है बहुत ज्यादा पब्लिसिटी कर रहा है मार्केट में उसका आईपीओ आ रहा है शेयर के वैल्यूएशन को बढ़ाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है दूसरा डिपार्टमेंट कैसे निगेटिव रिपोर्ट देगा सेल्फ जिसको आप एडवोकेट कर रहे हो सपोर्ट कर रहे हो कैसे रिपोर्ट देगा एडवोकेसी थ्रेट आप जिसको सेबी आरओसी कोर्ट में जिसको डिफेंड कर रहे हो जिसको डिफेंड कर रहे हो जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हो आप कैसे उसके अगेंस्ट निगेटिव ऑडिट रिपोर्ट दे पाओगे एडवोकेसी थ्रेट बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट खुद के खुद के मॉनिटरी बेनिफिट के लिए गलत काम कर सकते हैं ठीक है सेल्फ रिव्यू थ्रेट खुद की गलतियां बाहर ना आ जाए इसके लिए गलत काम कर गलत रिपोर्ट गलत काम कर सकते हैं जिस चीज को इतना प्रमोट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कैसे जाए सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट फैमिलिटी थ्रेट ठीक है क्लोज इमीजिएट फैमिली फैमिली रिलेशन है डायरेक्टर्स के साथ में डायरेक्टर्स ऑफिसर्स के साथ में बड़े बड़े लोगों के साथ में कैसे इनके अगेंस्ट चला जाए थ्रेट इमिजिएट फैमिली रिलेशनशिप है ऐसे लोग के साथ जो पूरी अकाउंटिंग संभालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट संभालते हैं फैमिलिटी थ्रेट ठीक है, है threat, उनके लोग हमारे पास हमारे टीम में आके चेकिंग कर रहे हैं तो सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है डायरेक्टर मेरे टीम में आके ऑडिट कर रहा है खुद का काम चेक कर रहा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट हमारा पार्टनर वहां पर डायरेक्टर बन गया मैं मेरे पार्टनर के अगेंस्ट कैसे जाऊं जिसके नीचे मैंने सब कुछ सीखा उसके अगेंस्ट में कैसे जाऊं फेमिलरिटी थ्रेट ठीक है गिफ्ट्स अगर बहुत सारे एक्सेप्ट कर ले जो बंदा मेरे को इतना मानता है इतने क्लोज रिलेशन है इतने गिफ्ट्स देता है इतना मेरा वेल विशर है उसके अगेंस्ट कैसे जाओ फैमिलिटी थ्रेट लंबे समय से एसोसिएटेड है फैमिलिटी थ्रेट लंबे समय से एसोसिएटेड है तो फैमिलिटी थ्रेट हो जाती है ठीक है और खुद की गलती कैसे निकाली है वो, ठीक है वो भी हमने देखा था आखिरी में इंटिमिडेशन क्लाइंट हमको डराता धमकाता है ठीक है सबसे बड़े धमके दे, देखो निकाल दूंगा निकाल दूंगा रिपोर्ट रिपोर्ट में सब सही लिख या तो निकाल दूंगा इंटिमिडेशन के डर में हो सकता है कुछ चार्ट अकाउंटेंट्स गलत रिपोर्ट दे दे तेरा काम कम कर दूंगा उस चक्कर में गलत रिपोर्ट दे दे तेरे अगेंस्ट लिटिगेशन कर दूंगा उस चक्कर में निकाल दूंगा उस चक्कर में काम कम कर दूंगा उस चक्कर में लिटिगेशन कर दूंगा उस चक्कर में दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट्स ये अलग अलग थ्रेट्स है किसी भी थ्रेट कोई भी थ्रेट चार पांच मार्क के लिए आ सकता है कोई भी थ्रेट चार पांच मार्क के आ सकता है लेकिन या फिर एमसीक्यू के अंदर इसको टारगेट कर सकते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस भाई साहब इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम फाइनेंशियली लीगली पर्सनली डिपेंडेंट नहीं होंगे डिपेंडेंट तभी जाके हम लोग तभी जाके हम लोग पूरे ऑनेस्टी से ऑनेस्टी से अनबायस तरीके से ऑडिट करके एक सच्ची रिपोर्ट दे पाएंगे इंडिपेंडेंस इज द बेसिस पहले इंपॉर्टेंस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इंडिपेंडेंस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है पहले समझाया फंड fund, एक फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर अगर इंडिपेंड रहेंगे तो ऑनेस्ट रह पाएंगे इंडिपेंड रहेंगे तो अनबायस्ड रह पाएंगे ऑब्जेक्टिव रह पाएंगे इंडिपेंड रहेंगे तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बिना डरे बिना ब्लाइंड रिलायंस के टफ क्वेश्चंस पूछ के काम कर पाएंगे ठीक है इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस होना भी चाहिए कि हम ठीक है हम लोग इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट नहीं है सामने वाले पे इंडिपेंडेंटली पूरे डिसीजन ले रहे हैं और दिखना भी चाहिए अपियर टू अदर्स नहीं तो लोग को ऐसा लगा दिन रात इसके साथ में घूमता रहता है पार्टी करता रहता है सोशल मीडिया पर रहता है पेज थ्री पे रहता है ये क्या रिपोर्ट देगा इंडिपेंडेंस होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए तो पहले वो समझाते इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है थ्रेट्स इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ऑल्टर ने बहुत केयरफुल रहना चाहिए कोई भी असाइनमेंट लेते वक्त केयरफुली उसने केयरफुली उसने इवेलुएट करना चाहिए केयरफुली इवेलुएट करना चाहिए कि बेटा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है क्या इसके अंदर सेल्फ रिव्यू थ्रेट है क्या इसके अंदर ठीक है आपके सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है ना सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स है ना एडवोकेसी थ्रेट है ना कोई एडवोकेसी थ्रेट है क्या इसके अंदर करेक्ट कोई इंटिमिडेशन थ्रेट है क्या फैमिलिटी थ्रेट है क्या पांच तरह के थ्रेट्स है पांच तरह के थ्रेट्स है अलग अलग ऐसे कोई थ्रेट्स है क्या ये हमने सोचना चाहिए पांच है इतना उसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसे ही याद हो जाएंगे करेक्ट पहले आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट उसके बाद में आपका एडवोकेसी थ्रेट फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फिर उसके बाद आपका एडव सेल्फ रिव्यू थ्रेट फिर एडवोकेसी थ्रेट फैमिलिटी थ्रेट इंटीमेशन थ्रेट एंड सो ऑन तो यहाँ पे लिखा है पहले बताओ इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल चीज़ है होना चाहिए दिखना भी चाहिए इसलिए ऑल्ट एक्सेप्ट करते वक्त ऑल्टर ने खुद देखना चाहिए कि किसी भी तरह का थ्रेट है क्या इंडिपेंडेंस को थ्रेट है क्या उसके पास ऑप्शन है ठीक है अगर थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो उसने देखना चाहिए कि, मैं क्या मैं उससे बच सकता हूँ क्या अगर ऐसे कोई थ्रेट्स होंगे कोई थ्रेट से मैं उससे बच सकता हूं क्या मेरे टीम मेंबर में, में रिश्तेदार काम करते हैं फैमिलिटी थ्रेट है उसको अलग कर दो ठीक है एक पार्टनर लंबे समय से काम कर रहा है उसको चेंज कर दो दूसरे पार्टनर से काम कराओ रहा हो फैमिलिटी थ्रेट कम हो जाएगी देखना चाहिए थ्रेट्स है क्या मैं क्या वो थ्रेट से बच सकता हूँ सेफ कुछ एक्शन लेकर के थ्रेट्स को कम कर सकता हो क्या कंट्रोल कर सकता हूँ क्या देखना चाहिए ठीक है अगर कर सकता है तो ही शुड एक्सेप्ट द वर्क अप्लाई द सेफ गार्ड अगर नहीं कर सकता है ही शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क ये आपका क्वेश्चन नवंबर 19 के आरटीपी अगर थ्रेड्स ऑडिटर का अप्रोच क्या होना चाहिए पहले इंडिपेंडेंस का इंपॉर्टेंस बताओ उसने थ्रेड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए अगर सेफ के साथ काम कर सके तो ठीक है दे तो ही शुड नॉट एक्सेप्ट इट अभी नवंबर अठारह के आरटीपी में क्वेश्चन था फोर्टी वन नंबर का क्वेश्चन है फोर्टी वन फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन है आउट ऑफ लिमिटेड कंपनी स्पेशल कंसिडरेशन कंपनीज में क्या खास बातें एज कंपेयर टू अदर्स ठीक है as compared to others, क्या खास बातें एज कंपेयर टू अदर्स लेट्स सी बहुत आसान क्या खास बातें हैं कौन सी खास बातें हैं ऑलिट ऑफ कंपनीज में स्पेशल कंसिडरेशन इनिशियली कंपनी में खास बातें कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का खास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इनिशियली डॉक्यूमेंट देखना चाहिए कि सही में इनका इनकॉर्पोरेशन बराबर है ना कैसा इनकॉर्पोरेशन इनका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इनको मिल चुका है ना ठीक है इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलते हैं इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोलते हैं इनके प्रोस्पेक्टर्स क्या बोलते हैं इन्होंने इनिशियली कौन से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट प्लांट्स मशीनरी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए ठीक है और ये ट्रांजेक्शन ये सब डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बराबर है ना इनिशियली लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जब ऑडिट में आए तो इनिशियली लीगल डॉक्यूमेंट्स स्पेशल होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट आपका एमओ एओ ए प्रोस्पेक्टस लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और क्या ट्रांजेक्शन इसके हिसाब से उसकी बात करो फिर बोर्ड बोर्ड पूरा काम बोर्ड के हिसाब से यह भी खास बात कंपनी खास बात है ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी खास इनिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो खास बात है फिर कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोर्ड कोई भी जो डिसीजन ले रहा है अल्ट्रावाइज तो नहीं है ना जो डिसीजन ले रहा है अगेंस्ट लॉ तो नहीं है ना सबसे इंपॉर्टेंट लॉ तो नहीं है ना अगेंस्ट लॉ कोई चीज नहीं कर रहा सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशंस बहुत जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशंस लगती है मैंने अगर लॉस मेकिंग कंपनी और उसको मैनेजरल रेबोनेशन पे करना है एक लिमिट के ऊपर तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव लेना अल्ट्रा वाइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अल्ट्रा वायस तो नहीं चल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं चल रहे शेयर होल्डर्स सबसे बड़ा लॉ लॉ के अगेंस्ट नहीं आना फिर गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना ठीक है उससे परमिशन्स तो लेना फिर शेयर होल्डर्स के पावर खुद तो एग्जीक्यूट नहीं कर दे रहे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शेयर होल्डर्स के पास होती है उसके पावर हम खुद तो एग्जीक्यूट नहीं करते रहे वही पावर डेलीगेट करना चाहिए वही पावर डेलीगेट करना चाहिए जो कर सकते हैं सारे पावर्स डेलीगेट नहीं कर सकते इसके लिए मिनट्स आप अच्छे से पढ़िए देखो सीक्वेंस में पहले एक्ट के अगेंस्ट तो लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे फिर शेयर होल्डर्स के से कोई पंगा तो नहीं पहले लॉ की बात है फिर गवर्नमेंट की बात है फिर शेयर होल्डर्स की बात है ठीक है फिर डेलीगेशन जूनियर्स की बात है तो क्या खास बात है इनिशियल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन खास बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खास बात है कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस खास बात है आर दी स्पेशल अलग क्या होता है तो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा अलग होता है एज कंपेयर टू अदर एंटिटीज कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस अलग होता है कट ऑफ अरेंजमेंट्स ठीक है अब देखो यहां पे वर्डिंग क्या यूज किए हुए हैं पूरे क्वेश्चन में कट ऑफ वर्ड यूज नहीं किया क्या यूज करते वर्ड हाउ ट्रांजेक्शन ऑफ वन पीरियड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दो साल के ट्रांजेक्शन को अगले साल से हम सेपरेट कैसे कर सकते अब आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ होना चाहिए कि भाई तो अगर पढ़ा हुआ है आपका क्वेश्चन तो आप इसको समझ जाओगे अगर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना अगर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो ही तो आप तो आप इसको समझ जाएंगे सर देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कि ओके समझ में आया कि ये कट ऑफ की बात कर रहे कट ऑफ अरेंजमेंट कंपनी किसी भी कंपनी के ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं खास करके सेल्स और परचेस खास करके इनकम्स और परचेस इनकम एक्सपेंसेस कंटिन्यूसली कोई भी कंपनी के ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं स्पेशली सेल्स एंड परचेस ठीक है हमेशा डर लगा होता है कि एक, एक साल के ट्रांजैक्शन अगले साल ना चले जाए इसका डर हमेशा लगा रहता है ठीक है इसीलिए इसीलिए हम इसीलिए कंपनी के कंपनी के लोगों ने ध्यान देना चाहिए अरेंजमेंट करने चाहिए पूरे इंतजाम करने चाहिए कि इस साल की चीजें अगले साल ना जाए उसको कट ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं कट ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए टू इंश्योर इधर इस साल के अगले साल ना जाए आखिरी में कुछ प्रोसीजर सेट होनी चाहिए कि कैसे इस साल के बिल अलग रखते अगले साल के बिल अलग रखते बहुत सारी प्रोसीजर्स बननी चाहिए खासकर सेल परचेस में ठीक है उसका मीनिंग बताइए ऑल्टो कैसे चेक करेगा कि कट ऑफ अरेंजमेंट बराबर इस साल के ट्रांजैक्शन अगले साल नहीं गए अगले साल के इस साल में कैसे चेक करेगा पहले जीआईटी पे ध्यान दे सकता गुड्स इन ट्रांजिट इन जो परचेस करते जब कंपनी गुड्स परचेस करती है अगर थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले ओनरशिप कंपनी को मिल चुकी है तो परचेस बुक करना चाहिए और गुड्स को जीआईटी दिखाना चाहिए मतलब सर सपोज मार्च को कंपनी कंपनी के के ट्रक्स के ट्रक्स गए हैं लाने के लिए कंपनी खुद के ट्रक्स और उनको थर्टी फर्स्ट मार्च तक डिलीवरी मिल चुकी है अगर थर्टी फर्स्ट मार्च तक कंपनी को कस्टडी मिल चुकी है डिलीवरी मिल चुकी है ओनरशिप कंपनी के पास आ चुकी है तो वो थर्टी फर्स्ट मार्च इसी साल का करंट ईयर का उसको परचेस बुक करना चाहिए करंट ईयर का परचेस बुक करना चाहिए और स्टॉक को गुड्स इन ट्रांजिट इनवर्ड जीआईटी इनवर्ड्स बताना चाहिए अगर 31 मार्च तक अभी तक कस्टमर को डिलीवरी नहीं दी है हमारे ट्रक जा रहे हैं वापस हमारे ट्रक्स लेके जा रहे हैं अभी तक डिलीवरी नहीं दी है मतलब ओनरशिप हमारी ही है सेल को बुक नहीं करना चाहिए और उसको गुड्स इन ट्रांजिट वापस हमने बताना चाहिए सेल को बुक नहीं करेंगे उसको गुड्स इन ट्रांजिट उसको गुड्स इन ट्रांजिट हमको बताना पड़ेगा तो एज ऑडिट पहले कट ऑफ का इंपॉर्टेंस मत, समझाया मतलब समझाया अरेंजमेंट्स होना चाहिए सिस्टम होना चाहिए कंपनी कैसे वो समझाया हम कैसे चेक करेंगे हम गुड्स इन ट्रांजिट ठीक है गुड्स परचेस्ड हमको ओनरशिप मिल गई है परचेस में दिखाना चाहिए जी ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं किया हमने सेल्स में हमारा ही है सेल बुक नहीं करना चाहिए उसको जीआईटी में बताना चाहिए ठीक है फिर टेस्ट डिटेल्स में चेक करना चाहिए साल जब खत्म होता है तो आखिरी ट्रांजे साल जब खत्म होता है तो आपने चेक करना चाहिए साल के एंड के 20-25 डॉक्यूमेंट 20-25 ट्रांजैक्शन इस साल के और 20-25 ट्रांजैक्शन अगले साल के इस साल के ट्रांजैक्शन चेक करो कहीं अगले साल का तो नहीं आया अगले साल का चेक करो कहीं इस साल का चला तो नहीं गया तो ऑडिटर गुड्स इन ट्रांजिट की अच्छे से चेकिंग कर सकता है और आखिरी के ट्रांजेक्शन की अच्छे चेकिंग कर सकता है इस साल के आखिरी के ट्रांजेक्शन अगले साल कुछ उस ट्रांजेक्शन की चेकिंग कर सकता है यह देखने के लिए कट ऑफ बराबर है कि नहीं है आखिरी है फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन है टेस्ट चेक ठीक है इन सिस्टम बेस्ड ऑडिट जो मॉडर्न मॉडर्न ऑडिट अप्रोच है जो मॉडर्न ऑडिट अप्रोच है जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर हम फॉलो करते हैं दैट दैट इज इज मॉडर्न मॉडर्न ऑडिट ऑडिट अप्रोच अप्रोच है टेस्ट चेक ठीक है सिस्टम्स दैट इज सिस्टम बेस्ड ऑडिट सिस्टम बेस्ड ऑडिट है इसमें हम बोलते हैं कि कंपनीज के पास अभी कंपनीज के पास में काफी पैसा आने लगा है पैसा आने के बाद वो अच्छे सिस्टम्स डेवलप करने लगे हैं आप सिस्टम्स कंपनी के सिस्टम्स इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होने लगे तो सिस्टम बेस्ड ऑइड का अप्रोच यह है कि आप सिस्टम्स को चेक करने में इनिशियली आप सिस्टम को चेक करने में अपने एफर्ट्स को लगाए सिस्टम को चेक कि सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे कुछ छूट नहीं रहा एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रहे बिना फ्रॉड या एरर के रिकॉर्ड हो रहे ठीक है सारे चीजों का रिकॉर्ड होना सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होना एक्यूरेटी रिकॉर्ड होना कंप्लीट रिकॉर्ड होना पूरे लीगल कंप्लायसेस के साथ लीगल कंप्लायसेस के साथ रिकॉर्ड होना देखो लिखा है वहां पर सारे ट्रांजेक्शन लीगल कंप्लायस के साथ हो रहे हैं कोई भी ट्रांजेक्शन छूट नहीं रहा है उसमें कोई फ्रॉड या एरर नहीं है एसेट लाइबिटीज सही है एग्जिस्ट करते हैं उसका वैल्यूएशन सही है आपने देखना चाहिए क्योंकि कंपनी ठीक है सिस्टम सिस्टम बेस्ड ऑडिट मतलब क्या ओवरऑल जैसे ऐसे हम आग, जैसे ऐसे समय बीत ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज के पास बहुत पैसा है उसके पास में अच्छे मशीन्स है लोग हैं अच्छे सिस्टम्स है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जिसके हिसाब से वो काम करते हैं तो हम लोगों ने समय बिताना चाहिए इन चेकिंग द सिस्टम्स क्या सिस्टम्स लॉ कंप्लाइंस अपने आप करवाते हैं सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कराते हैं बिना किसी फ्रॉड या एरर के आखिर में ऐसे टाइबीज बराबर दिखवाते हैं अब अगर ऐसा है उसमें समय बिताइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करिए सिस्टम्स uh, है क्या आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली उसको चेक करिए डिटेल में चेक करके देखिए सिलेक्टिव बेस पे चेक करके देखिए अगर ऐसा दिख रहा है अगर सिस्टम्स है च, अच्छे है सिस्टम्स अगर सिस्टम्स अच्छे है मॉडर्न अप्रोच में इस सिस्टम्स सिस्टम्स को चेक करने में आप समय बिताइए अगर सिस्टम्स अच्छे दिख रहे हैं तो आप आपकी आगे की जो चेकिंग है जो आप ट्रांजेक्शंस बैलेंसेस डिस्क्लोजर की चेकिंग करने वाले हो टीबीडी वो चेकिंग आप कम कर सकते हो ड्रास्टिकली कम कर सकते हो और अगर सिस्टम्स बेकार है तो डिटेल्ड चेकिंग आप ज्यादा कर सकते हो ये इसको सिस्टम बेस्ड ऑडिट बोलते हैं ये कोई नया नहीं है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बेस्ड है वो एक तरीके से सिस्टम्स बेस्ड ऑडिट ही है कि सिस्टम को चेक करने में समय बिताओ वो अगर अच्छा रहेगा तो आगे चेकिंग कम करो वो बेकार रहेगा तो आगे चेकिंग ज्यादा करो ठीक है देखिए कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग चैप्टर था सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सारे क्वेश्चन आपने एक बार मेरे से सुने भी होने चाहिए एक बार सुना हुआ है कॉन्सेप्ट सुने हुए है टर्मिनोलॉजी सुनी हुई है फ्लो सुना हुआ है तो पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी जाएगी गवर्नमेंट ऑडिट पे गवर्नमेंट ऑडिट पे आइए चिंता मत करिए ब्रेक आपको मिलेगा और अभी पंद्रह मिनट है फिफ्टीन मिनट्स पंद्रह मिनट बाद आपको ब्रेक मिलेगा गवर्नमेंट ऑडिट ठीक है पहला ड्यूटीज ऑफ सी एन वहां पर शॉर्टकट है सागर शॉर्टकट है सागर सागर जैसी ड्यूटीज है सी एंड ए जी की ठीक है लेट्स सी सागर जैसी ड्यूटीज है सबसे पहले एस स्टैंड फॉर आउट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक गवर्नमेंट गवर्नमेंट बहुत बड़े क्वांटिटी में बहुत बड़े क्वांटिटी में फूड बहुत बड़े क्वांटिटी में ठीक है गवर्नमेंट बहुत बड़े क्वांटिटी में पेट्रोल क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल फूड ग्रेन्स क्रूड ऑयल फूड ग्रेन्स इसेंशियल इनसे इसेंशियल चीजें मेडिसिन को खरीद के स्टॉक करके रखता है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसेंशियल गुड्स को स्टॉक करके रखता है उसके गुडाउन गवर्नमेंट के गुडाउन अक्रॉस इंडिया बने हुए हैं और बड़े क्वांटिटी में इसेंशियल्स को पूरा स्टॉकिंग करके रखता है गवर्नमेंट ठीक है ताकि उसकी कभी कमी ना हो सी की जिम्मेदारी होती है कि ये जो बड़े बड़े स्टोर बने हैं उसके अंदर इतना सारा जो स्टॉक है उसका ऑडिट करना उसका ऑडिट करना सी की जिम्मेदारी है ठीक है कि गुड्स बराबर खरीदे गए ना गुड्स बराबर स्टोर हो रहे ना उसके रिकॉर्ड स्टोर हो रहे ना सेफ और सिक्योर है ना उसके रिकॉर्ड्स बराबर है ना रिकॉर्ड के साथ से दिख रही है ना और उसका इशू उसका यूटिलाइजेशन बराबर होना ये ऑडिट करना सीएनजी की जिम्मेदारी है एस फॉर ऑडिट ऑफ स्टोर एंड स्टॉक देन ए फॉर सागर ठीक है आपका ए फॉर अकाउंट्स कंपाइल करना जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट्स जितने भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको उनको एडवाइजरी देना उनको एडवाइजरी देना उनको समझाना कि अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे रहेगा वो उनको बताना और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल कंपाइल करने में ठीक है फाइनलाइज करने में मदद करना ये भी सी की ड्यूटी है ठीक है स्टोर और स्टॉक को आइड करना सीएनएजी की ड्यूटी है अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल करवाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करवाना ये उसमें मदद करना ये भी उनकी जिम्मेदारी में आता है देन जी स्टैंड फॉर ग्रांट्स और लोन्स गवर्नमेंट जो ग्रांट्स और लोन्स बांटती है क्या वो लोग सही पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं क्या जिस पर्पज के लिए पैसा देते तो हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं क्या ये भी जिम्मेदारी है हा इंडिया के बाहर अगर फॉरेन ग्रांट या लोन दिया है तो वो चेक करना सीएनजी में नहीं आता क्योंकि सीएनजी को इंडिया के बाहर के पावर्स नहीं है अग्रीमेंट में लिखा होता है कौन चेक करेगा उसको ठीक है फिर जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो कंपनीज और कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशन उनके ऑडिट को कंट्रोल करना ऑडिटर्स को अपॉइंट करना उनसे अच्छे से काम करवाना उनकी रिपोर्ट को पढ़ना ठीक है गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशन के ऑडिट को कंट्रोल करना यह भी जिम्मेदारी है देन ए स्टैंड फॉर ऑडिट करना गवर्नमेंट के अलग अलग फंड होते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग फंड है कंसोल्टेड फंड ऑफ इंडिया जिसमें सारी इनकम एक्सपेंस आता है इमरजेंसी फंड होते हैं जो इमरजेंसी के लिए होता है पब्लिक अकाउंट्स फंड रेगुलर एक्सपेंस के लिए पब्लिक अकाउंट्स फंड होता है सभी तरह के फंड्स को ऑडिट करना गवर्नमेंट अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग तो उसके पिनल का ऑडिट करना यह भी जिम्मेदारी में आता है देन आर स्टैंड फॉर रिसीट्स टैक्सेस जो मिलते हो बराबर मिल रहे ना उसको ऑडिट करना वो जिम्मेदारी में आता है जो पैसा आ रहा है टैक्सेस का बराबर असेसमेंट हुआ ना बराबर कलेक्शन बराबर असेसमेंट हुआ ना बराबर कलेक्शन हो रहा है ना पैसा रियलाइज हो रहा है ना गवर्नमेंट के पास आ रहा है ना कलेक्ट बराबर हो रहा है ना गवर्नमेंट के पास आ रहा है ना रियलाइजेशन और अलोकेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में असेसमेंट बराबर हो रहा है कलेक्शन बराबर हो रहा है रियलाइजेशन बराबर हो रहा है बाद में उसका अलोकेशन बराबर हो रहा है रिसीट्स का ऑडिट करना देन आर स्टैंड फॉर टू डू ऑल्ट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर

अस्सी लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए है पच्चीस लाख के ऊपर है ग्रांट लोन और पचहत्तर परसेंट से ज्यादा खर्चा ये गवर्नमेंट के ग्रांट लोन के भरोसे अगर ऐसा है तो सब्सटेंशियली बाय गवर्नमेंट उसके भी रिसीट और एक्सपेंडिचर उसके भी जो अकाउंट्स होंगे उसका ऑडिट करना सीएनएजी की जिम्मेदारी में आता है तो ड्यूटी सागर जैसी है एस स्टोर स्टॉक ऑडिट करना ए अकाउंट्स कंपाइल करने में मदद करना जी ग्रांट्स और लोन बराबर यूज किया जी अगेन गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशन कॉल्ड ऑडिट कंट्रोल करना ए ऑडिट करना अलग अलग फंड्स का कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट का आर रिसीट कॉल्ड करना आर रिसीट एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर सबस्टैंशियली फाइनेंस्ड द गवर्नमेंट पेज नंबर 138 पे फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है 15th 15th नंबर का क्वेश्चन है पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है पंद्रह नंबर क्वेश्चन है प्रोपरटी ऑडिट माना माना ग, माना हम लोगों ने कि गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट जो, रह जो भी खर्चा कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से प्रॉपर लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया सारे परमिशंस लिए बहुत बढ़िया जिस बराबर हर पर्पज के लिए यूज कर रहा है लेकिन एक बात देखनी है वॉट इज प्रोपर्टी ऑडिट प्रोपर्टी ऑडिट पर हमको देखना है इज इट गिविंग एस रियल बेनिफिट क्या हमको रियल बेनिफिट मिल रहा है क्या प्रोपर्टी ऑडिट मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है

ठीक है पूरा पुडल बन जाता है स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते क्या मतलब है क्या मतलब है इट इज नॉट गिविंग रियल बेनिफिट प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब प्रोप्राइटरी ऑडिट प्रोप्राइटी मतलब प्रॉपर का नाउन होता है प्रोप्राइटी प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब गवर्नमेंट जो प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब गोइंग बियॉन्ड रूल्स एंड रेगुलेशन ये सोचना रियल बेनिफिट मिल रहा है क्या फ्रूटफुल है एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक एज होल इसको पता लगाना बहुत मुश्किल होता है सब इसको पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कुछ लोग ठीक है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अब ठीक है कुछ लोग बोलेंगे कि शिवाजी महाराज के स्टैचू पे पांच हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं बहुत ही गलत है ये गरीबों लिए यूज एजू, एजू, के लिए यूज़ करो एजु गरीबों के लिए यूज करो एजुकेशन के लिए यूज़ करो स्कूल्स के लिए यूज़ करो स्कूल के लिए यूज़ करो, यूज करो इट विल बी बेटर करेक्ट ऐसा बोलेंगे हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ करो सही बात है कुछ लोग बोलेंगे अरे अरे ये जो खर्चा कर रहे हैं ये खर्चा कर रहे हैं देखो इससे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है वो सोचो आगे इसको चलाने में कितने लोग लगेंगे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा वो सोचो लोगों को पैसे तो मिल ही रहे इसमें फिर टूरिज्म कितना बढ़ेगा टूरिज्म कितना बढ़ेगा टूरिज्म के बारे में सोचो लोग कितने आएंगे टूरिज्म कितना बढ़ेगा वो सोचो लोग कितने आएंगे कितने लोग आएंगे उसके बारे में सोचो कितना पैसा दे जाएंगे उसके बारे में सोचो और शिवाजी महाराज हमारे कल्चर में आते हैं अगर महाराष्ट्र में तो कल्चर में आते हैं क्यों हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करना हमने पुतिन अभी भी अपने ठीक है रशियन लैंग्वेज में बात करता है इंग्लिश में बात नहीं करता भाई मेरा कल्चर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं करे तो भाई ठीक है इंपॉर्टेंट है तो कोई बोलते खर्चा सही है कोई बोलते गलत है आई एम सेइंग दिस तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सीएजी ने प्रिंसिपल्स लाए सीएजी ने कुछ प्रिंसिपल्स लाए कि ये प्रिंसिपल्स के हिसाब से खर्चा है तो उसको प्रॉपर माना जाएगा प्रिंसिपल्स को फॉलो अगर ये प्रिंसिपल के हिसाब से तो प्रॉपर है इसके अगेंस्ट है तो उसको इम प्रॉपर माना जाएगा लेट्स सी, अगर अब हम कब इम प्रॉपर मानते अगर खर्चा प्राइमा फेसी बहुत ज्यादा प्राइमा फेसी आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा हेवी पैसा खर्च किया है एक एक करोड़ की गाड़ियां खरीदी है अरे देखते से ही जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया है इट इज इम ठीक है एक घंटे में डिसीजन ले लिया एक घंटे में डिसीजन ले लिया बस एक ही बंदे ने एक घंटे में एक बंदे ने डिसीजन ले लिया पूरा करोड़ों की गाड़ियां खरीदने का मतलब बिना जितना ठीक है लोग जब खुद का पैसा खर्च करने में जितना सोचते उतना ही सोचना चाहिए गवर्नमेंट का पैसा खर्च करने में भी ऐसा दिख रहा है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में खर्चा कर दिया तो उसको इमप्रॉपर मानेंगे देखते से लग रहा है जरूरत से ज्यादा इमप्रॉपर ऐसा लग रहा है बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ठीक है खर्चा किया है उसको इमप्रॉपर माना जाएगा खुद के एडवांटेज के बारे में सोच रहे सिर्फ एडवांटेज गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफिसर सिर्फ खुद के एडवांटेज के बारे में सोच रहे हैं. बनना खुद के घर के पास ऑफिस कहा बनना चाहिए खुद के, के घर के पास प्लांट कहा बनना चाहिए जहां पर खुद की जमीन है सिर्फ खुद के एडवांटेज के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं उसको इम प्रॉपर माना जाएगा ठीक है पर्टिकुलर पर्सन को ही पर्टिकुलर पर्सन कास्ट कम्युनिटी से भी इसको ही बेनिफिट मिल रहा है उसको इमप्रॉपर माना जाए उसके एक्सेप्शन है बहुत छोटा अमाउंट है बहुत छोटा अमाउंट है पर्टिकुलर पर्सन के बहुत ही छोटा अमाउंट है चलता है इट्स ओके ठीक है ऐसा अमाउंट है जो बंदा अगर कोर्ट ऑफ लॉ में, जाए तो में तो जाता तो उसको पैसे मिल ही जाते सपोज मुंसिपल कॉर्पोरेशन की गलती के वजह से उसके दुकान को प्रॉब्लम हुआ कोर्ट ऑफ लॉ में आता तो पैसे मिल ही जाता तो उसको पैसे दिए चलता है पर्टिकुलर कास्ट पर्सन कम्युनिटी के लिए पैसा सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए पैसा खर्च करती है, है. फिर ठीक है मान मांस, सरोवर जाते हैं भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं उसके लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करता है कस्टम है चलता है बोले पुराने कस्टम चल रहे चलता है ठीक है कोई भी एम्प्लॉयज को कोई भी अलावंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो डायरेक्ट प्रॉफिट मतलब एम्प्लॉयज का खर्चा तो हो ही नहीं रहा है सीधा उनको प्रॉफिट हो रहा है कोई भी अलावंस पे करने का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि गवर् जो इंश्योर करे रियल खर्चा लग रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो ही उनको पैसा मिलना चाहिए तो ही पैसा मिलना चाहिए जैसे चिल्ड्रन के स्कूल के स्कूल की फीस है भाई शादी नहीं हुई और ये पैसे मिल रहे भाई शादी हुई बच्चे हुए तभी मिलना चाहिए कोई भी अलाउंस इस तरीके से पे होना चाहिए कि सही में खर्चा लग रहा है तो उनको पैसा मिले तो प्रोपरिटी और इट के प्रिंसिपल्स है देखते से ही प्राइमा फीस ज्यादा है इम्रॉपर सोच समझ के खर्चा नहीं किया इमप्रॉपर खुद के एडवांटेज के लिए सारे डिसीजन है इमप्रॉपर बराबर ठीक है बेनिफिट पब्लिक एट लार्ज को नहीं मिल रहा है इमप्रॉपर कुछ एक्सेप्शन है अलाउंसेस ऐसे है जो सिर्फ सोर्स ऑफ प्रॉफिट बन रहे कोई रियल खर्चा तो था ही नहीं इम प्रॉपर ठीक है नाउ गवर्नमेंट ऑडिट खत्म करते हैं उसके बाद में ब्रेक ले लेंगे बस ये स्टोर्स है ऑडिट ऑफ स्टोर्स स्टोर में भी बड़े ऑडिट ऑफ स्टोर इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट सबसे बड़ा ऑडिट जो किया जाता है गवर्नमेंट इज ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ठीक है स्टोर्स पे भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा करता है तो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ही ओनली सबसे पहले देखना चाहिए जो इतने बड़े बड़े गोडाउन है क्या गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के सोचे समझे फिक्स रूल्स और फिक्स रूल्स और रेगुलेशंस है क्या सिस्टम बना हुआ है क्या ठीक है परचेस रिलेटेड क्या चीज परचेस होनी चाहिए कितने क्वांटिटी में परचेस होनी चाहिए कौन सी चीज खरीदनी चाहिए कितनी कौन सी चीज खरीदे कितने क्वांटिटी में खरीदना चाहिए कौन सी क्वालिटी करेक्ट इसके लिए रूल्स परचेस के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं ना क्या खरीदेंगे कितना खरीदेंगे कितने क्वालिटी का और प्राइस कैसे तय होगा क्या इसके रूल्स रेगुलेशन बने ना किस तरीके से चीजों को स्टोर किया जाएगा खरीदने के बाद में किस चीज़े से चीज़ों को स्टोर किया जाएगा कैसे उसके रिकॉर्ड्स रखेंगे कैसे उसकी पोलिटिकल स्टॉकिंग होगी इसके रूल्स रेगुलेशन बने ना कैसे चीज़ों को इशू किया जाएगा कैसे चीज़ों को सेल किया जाएगा किसको बेचेंगे कितना बेचेंगे कब बेचेंगे कैसे बेचेंगे कितना प्राइस प्राइस कैसे तय होगा इसके रूल्स रेगुलेशन बने हैं ना पहले जाके देखो कंपनी के गवर्नमेंट के सिस्टम्स बने क्या फिर जाके परचेस परचेस में आप देखो ठीक है खरीदा है एडिक्वेट क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम या ज़्यादा क्वांटिटी बराबर है ना क्वालिटी बराबर है ना प्राइजेस बराबर तय किए ना कोटेशन बुला के बेस्ट जो प्राइस था वो तय किया गया है ना करेक्ट रूल्स बने थे ना बराबर परमिशंस लिए गए ना प्राइस और कम से कम खर्चे में परचे उसको परचेस किया गया है परचेस करने के बाद में उसको अच्छे से स्टोर अच्छे स्टोर किया गया है ना ये हमको देखना चाहिए अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट्स पर रिकॉर्ड रेगुलरली मेंटेन कर रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करके मैच कर रहे हैं वो हमने देखना चाहिए इन्वेंट्री लेवल्स बराबर मेंटेन हो रही है रिकॉर्ड्स बराबर बन रहे हैं मैच हो रहे हैं ये लोग एक सिस्टम करते हैं प्राइज्ड अकाउंट्स प्राइज्ड अकाउंट मतलब बहुत सिंपल एक स्टैंडर्ड प्राइस कोई भी एक स्टैंडर्ड प्राइस लेना उस पर ओपनिंग बैलेंस उसी पे दिखाना परचेस उसी पे दिखाना सेल उसी पे दिखाना क्लोजिंग भी उसी पे दिखाना इससे क्या होता है कि हमको दो कॉलम नहीं मेंटेन करने पड़ते हैं। नहीं तो क्वांटिटी के लिए एक कॉलम मेंटेन करना पड़ता है वैल्यू के लिए एक कॉलम मेंटेन करना पड़ता है चार कॉलम हो जाते हैं चार कॉलम की मेहनत हो जाती है चार कॉलम की मेहनत आधी करनी है एक ही कॉलम मेंटेन करो वैल्यू का लेकिन एक स्टैंडर्ड प्राइस पे ओपनिंग है स्टैंडर्ड प्राइज पर्चे स्टैंडर्ड प्राइस सर लेकिन जो एक्चुअल प्राइस तो अलग होगा तो डिफरेंस एक प्राइस एडजस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करते बैठो लेकिन इसको एक सेम प्राइस पे रखो सपोज स्टैंडर्ड प्राइस दस रुपये और आपको दिख रहा है चार लाख का बैलेंस आपको पता है क्वांटिटी कितनी है चार लाख डिवाइड बाय दस चालीस हजार इससे क्या होगा प्राइस अकाउंट से मेहनत कम हो जाएगी प्राइस अकाउंट में मेहनत कम हो जाएगी साथ। ठीक है एक दो कॉलम मेंटेन करके ही आपको चीजें मिल जाएगी तो स्टोर में प्राइज अकाउंट का कॉन्सेप्ट हो सकता है हो सकता है अगर प्राइजेस रेगुलर बेसिस पे चेंज की जाए रिवाइज की जाए ठीक है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी दस रुपए से लेके बीस रुपए प्राइस हो गया तो उतना एडजस्ट करना पड़ेगा प्राइज अकाउंट्स बोलते हैं उसको पावर्स ऑफ सी एन एजी देखो कंपनीज एक्ट के हिसाब से पावर्स अलग है गलती मत कर देना कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज एक्ट के हिसाब से सी के पावर्स अलग है और सीएजी एक्ट के हिसाब से सीएनजी के पावर्स अलग है कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन फाइव सबसेक्शन सिक्स सबसेक्शन सेवन कंपनीज एक्ट के हिसाब से सीएजी के पावर्स अलग है आंसर बदल हो जाए चेंज हो जाएगा और ऐसे उसके पावर्स है सी एक्ट के हिसाब से क्या पावर है सबसे आसान टू मेक क्वेश्चन आराम से बैठे बैठे अपने ऑफिस में जो सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में जो सवाल पूछना चाहे जो उनको इंफॉर्मेशन जरूरी लगे ऑडिट करने के लिए अकाउंट समझने के लिए वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं सबसे आसान फिर उससे बड़ा पावर कोई भी बुक्स कोई भी अकाउंट्स रिकॉर्ड्स पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वो मंगवा सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसकी जेरोक्स उसका एक्सट्रैक्ट मंगवा सकते हैं फिर इंस्पेक्ट कर सकते हैं एनी ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑडिट करने के लिए जा सकते हैं वहां आपके प्राइमरी प्राइम आपके प्राइमरी रजिस्टर्स लेजर्स सब लेजर्स सब चेक कर सकते हैं ये पावर्स है पहला पावर आराम से बड़े बड़े डे कैन आस फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट एनी डेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं तीसरा खुद इंस्पेक्ट कर सकते हैं सिंपल सिंपल से पावर्स है सिपल कॉरपोरेशन म्युनिसपल काउंसिल के लिए कोई ना कोई एक्ट रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं उसको अच्छे से पढ़िए उसका कंप्लायस क्या देखिए सबसे पहले लॉ फिर सिस्टम क्या इन्होंने खर्च क्या इन्होंने लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम बराबर बना के रखा है क्या ट्रांजेक्शंस के लिए खर्चों के लिए बराबर सिस्टम बना के रखा है क्या वो देख लीजिए फिर खर्चा जो करते हैं करेक्ट खर्चे जो कर रहे हैं बराबर खर्चा करे ना सही में पूरा बेनिफिट मिल रहा है ना सोसाइटी को वो चेक करिए अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर बनाना ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है वो देखिए और इन सब में कहीं पे फ्रॉड एरर्स तो नहीं है पहले लॉगा कंप्लायंस बराबर कर रहे हैं लॉ का कंपलायस लॉ का लोग बराबर कर रहे हैं सिस्टम इन लोगों ने बराबर बनाया खर्चे का पूरा बेनिफिट कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर बने बिना फ्रॉड या एर के 45 नंबर का क्वेश्चन था ये गवर्नमेंट ऑडिट खत्म हुआ है वी टेक अ ब्रेक 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 लेते हैं के बाद में हम लोग बाकी चीज देखेंगे एक बार मेरे साथ साथ में चीजों को सुनते जाइए दिमाग में फ्रेश होंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है क्या फ्लो है जो फ्लो मैं यूज़ करूं मैं जानता हूं मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं लेकिन ज़रूरी है ठीक है ब्रेक के बाद में और चैप्टर्स हम लोग खत्म करेंगे